एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी एक न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी ये वाली लुक वाली जो मेकअप लुक है, ये आप मॉर्निंग में भी कहीं पे अगर जा रहे हैं आप तब भी कैरी कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो इवनिंग पार्टी में भी आप डेफिनेटली इसको कैरी कर सकते हैं। सो ये वाली वीडियो में मैं यही स्टेप बाय स्टेप मेकअप लुक आपके साथ शेयर करूंगी। सो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी मेकअप स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है हमें मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे लासेंसा की एक मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट कर देता है स्किन को, और मेकअप बेस के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो एज ए प्राइमर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें से ये वाला जो ऑरेंज शेड है वो लेकर के मैं जहाँ जहाँ पे भी मेरी थोड़ी बहुत डार्क स्पॉट है वहाँ पे इसको अप्लाई कर ले रही हूँ। देन मेबेलिन सुपरस्टे का ये फाउंडेशन दिया है मैंने अच्छे से डॉट डॉट करके, फिर एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प के थ्रू मैं इसको पूरी फेस में अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। एंड गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज वो है कि कभी भी आप फेस मेकअप कर रहे हैं तो अपने नेक को मत भूलिए। नेक को भी सेम आपको मॉइस्चराइज करना है एंड देन उसमें भी एक बेस अप्लाई करना है। देन मैं ये मेबेलिन का जो है कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ये मेकअप को सेट कर देता है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। अभी चलिए आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कर लेंगे आईब्रो को अच्छे से फिल, पहले इसको कॉम कर लेंगे एंड देन उसको अच्छे से फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की ये वाली आईब्रो पेंसिल। देन उसके बाद मिस लुक की ये हेटेड विथ लव वाली पैलेट से मैं एक आई लुक क्रिएट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर की आई शेडो लिया है, जो कि अपने आउटर कॉर्नर से इनर वी की तरफ मैं एक डार्क शेड जो है क्रिएट कर रही हूँ। एंड देन उसके बाद जो है मैं दोनों आईज़ को सेम ऐसे ही फिल कर लूंगी। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक मरून टिंट शेड भी यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए अपने आई लीड को। इसके बाद दोनों आईज कंप्लीट हो चुका है। देन मैं यहाँ पे जो है बाकी की आई मेकअप कंप्लीट करूंगी। तो सबसे पहले मेबेलिन कोलोसल काजल की ये वाली जो लाइनर है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इससे मैं एक विंग लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। एंड देन उसके बाद मैं कोलोसल काजल से ही जो है नीचे वाली जो वाटर लाइन है वो उसको बहुत ही अच्छे से फिल कर दूंगी, ताकि मेरी आईज को एक डेप्थ मिल जाए। और काजल पहनना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पे उसके बाद मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, जो अगेन मेबेलिन कोलोसल का है। तो अभी इसी तरीके से मैं सेम दूसरे आई को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। सो यहाँ पे आई मेकअप कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पे तीन लिपस्टिक्स यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले ये न्यूड शेड, देन उसके बाद लिक्विड लिपस्टिक दो पिंक शेड के ऊपर। सो क्योंकि एक डे लुक है सो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा हैवी नहीं किया है, और मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे ब्लश एंड हाइलाइटर भी यूज़ कर ले रही हूँ। आज मैं पेयर करने वाली हूँ इसको एक हैवी चोकर के साथ। सो यही थी आज की लुक गाइस। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरी आज की फाइनल लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।